सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कितने सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो 2015, 16, 17, 18, 19 सभी के मैं यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को करवाऊंगी, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर देखिए, ये एक कथन है और कथन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग प्लीज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही गुड़ बात कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन दिया हुआ है टैगोर, अरस्तु, स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी। तो मनुष्य के अंदर छिपी हुई जो उसकी अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त कौन करता है? उसको अभिव्यक्त करता है शिक्षा। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है, तो वह अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से किसी के सामने भी रख सकता है, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है भाषण के माध्यम से या लिख करके। किसी भी तरीके से व्यक्ति अपने अंदर के मनोभावों को प्रकट कर सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वह उन चीजों को उतने अच्छे से रख नहीं पाता है, व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाता है। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है व्यक्ति के लिए। और आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग भी इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है कि शिक्षा आखिर में क्यों इतनी आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा है यही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब आपको पता है, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, इसे हम मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा शिक्षा भी कहते हैं या मुक्त अधिगम कहते हैं, बाहरी अध्ययन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सा दिया हुआ है, सह शिक्षा का मतलब है कि ऐसी शिक्षा जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई करते हैं, या ऐसी क्लास जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। बाकी मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन और पत्राचार शिक्षा, ये तीनों ही क्या है? दूरस्थ शिक्षा के नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्ञा संस्कार कितने वर्ष के बालक का किया जाता था, या बौद्ध काल की शिक्षा में प्रवज्ञा संस्कार कितने वर्ष पर होता था? 8 वर्ष पर, 10 वर्ष पर, 12 वर्ष पर या फिर 11 वर्ष पर? दोस्तों, जो बौद्धकालीन शिक्षा होती थी इसमें जो प्रवज्ञा संस्कार होता था वह होता था 8 वर्ष की अवस्था में। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि बौद्ध काल में ही एक और संस्कार होता था जिसे हम उपसंपदा संस्कार कहते हैं। और उपसंपदा संस्कार होता था जब बच्चा 20 ईयर का होता था, यानी कि 20 साल का होता था, यानी कि उसकी उच्च शिक्षा जब वो ग्रहण करने जाता था तो उसे उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, कब हुआ था? 1940 में, 1937 में, 1950 में या 1948 में? आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी जी ने पार्ट लिया था, यानी कि भाग लिया था। और इन्होंने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में ही सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की बात की थी। और इन्होंने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में ही कहा था कि 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, वर्धा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव द्वारा सीखना या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्योंकि प्रकृतिवाद के जनक कौन है आपको पता है? रूसो है। और रूसो ने ही यह कहा था कि बच्चा खुद करके सीखता है तो खेल खेल में भी सीखता है, करके सीखेगा तो और दिन तक वो ज्ञान जो है उसके पास रहेगा, स्व अनुभव से सीखेगा तो उसको भूलेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला या फिर उपयुक्त सभी? तो गांधी जी के दर्शन के अनुसार
छात्रों को हस्तकला की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, जिसमें उनको कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए जिससे वो आगे चल करके कोई ना कोई रोजगार कर सके अपना। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अभी आप आगे देखिएगा। पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, फ्रॉवेल, रूसो, जॉन ड्यूबी या फिर मारिया मॉन्टेसरी। राइट आंसर है ऑप्शन सा, जॉन ड्यूबी। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों छोड़िएगा नहीं, सभी क्वेश्चन को समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है। यह कथन किसका है? एनिस का, लुइस क्रिसबर्ग का, प्लेटो का या फिर रायबर्न का? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लुइस क्रिसबर्ग का। क्वेश्चन नंबर 9 है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद नहीं बल्कि धारा यहाँ पर पूछना चाहिए था, क्वेश्चन में धारा पूछना चाहिए था। तो यह किस धारा में किया गया है? धारा 45 में किया गया है। और अगर एग्जाम में ये पूछेगा कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चों की वह निःशुल्क और अनिवार्य है और यह उनका मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 21 ए में या 21 क में। तो ये आपको याद रखना है, जब धारा पूछेगा तो धारा 45 और जब अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 क। दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 ए और जब धारा पूछेगा तो धारा 45। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने यही लगाया होगा। अगर इस तरीके का उल्टा भी मान लीजिए पूछ लेता है एग्जाम में तो भी आप लोगों को इस तरीके से धारा 45 तो आपको याद ही है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किस धारा में किया गया है, क्योंकि इतनी बार मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि जब अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 ए या 21 का और जब धारा पूछेगा तो धारा 45। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए या फिर बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन आ, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 16 अप्रैल 1976 को, 10 मार्च 1975 को, 20 जनवरी 1980 को या फिर 9 सितंबर 1985 को? राइट आंसर है ऑप्शन आ, 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है 10 जून, 4 जून, 5 जून या फिर 8 जून। तो 10 जून को मनाया जाता है या फिर 4 को या फिर 5 जून को या फिर 8 जून को? तो राइट आंसर आप लोगों को पता है कि जो पर्यावरण दिवस है ये मनाया जाता है 5 जून को हर साल। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की या फिर समाज की? तो बच्चों के नैतिक मूल्यों के विकास में बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलते हैं आप लोगों को भी पता है। अगर कोई बच्चा कोई खराब काम कर देता है तो क्यों लोग कहते हैं कि माँ बाप ने यही संस्कार दिया होगा उसके? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि तुरंत ही उसके परिवार पर लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो संस्कार होता है वो वास्तव में माना जाता है कि उसके परिवार ही उसको अच्छी परवरिश देता है और परिवार ही उसको अच्छे संस्कार देता है। तो इसीलिए जो हमारे परिवार में हमारे बड़े होते हैं, चाहे वो दादी दादा हों, चाहे हमारे माता पिता, सभी लोगों से हमें नैतिक मूल्य मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं। तो इसीलिए नैतिक मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? परिवार की। और अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो भी क्या होता है, तो भी हमारे परिवार की बढ़ाई ही होती है, उसकी संस्कार, उनके संस्कारों की, यानी कि माता पिता के या दादी बाबा के दिए गए संस्कारों की ही बात होती है कि इनके परिवार में लोग अच्छे होंगे, संस्कार अच्छा मिला है बच्चे को। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो संस्कार होते हैं ये तुरंत आपके परिवार पर ही जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, परिवार की भूमिका क्या होती है बच्चों के मूल्यों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है?
जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या फिर उपयुक्त सभी, तो ये सभी राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करते हैं, चाहे जातिवाद हो, चाहे प्रांतीयता हो, चाहे सांप्रदायिकता हो। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या फिर प्रतिस्पर्धा। बाल श्रमिक बनने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, यानी कि एक परिवार में ढेर सारे बच्चे होते हैं तो सभी बच्चों का पालन पोषण माता पिता नहीं कर पाते, तो उनमें से जो बड़े भाई बहन होते हैं वो बाल श्रमिक बन जाते हैं। प्रतिस्पर्धा या अशिक्षा, तो अशिक्षा जो होती है यह बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण होती है, अत्यधिक गरीबी भी होती है और जनसंख्या वृद्धि भी होती है। तो यहाँ पर पूछा है क्या कारण नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है प्रतिस्पर्धा ये कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। ये मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है कि दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं जीजू भाई बधेका, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है या फिर उपयुक्त सभी। आपको अच्छे से पता है शिक्षा तीन प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो हम कहीं भी सीखते हैं, अपने स्कूल को छोड़ करके जहां से भी हम कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने आस पड़ोस से, अपने रिलेटिव में किसी से, या फिर खेल के मैदान में कहीं पर भी, तो वो होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, स्थान निश्चित नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, और स्वतंत्रता पूरी तरीके से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हमारे संविधान में कौन सी भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर फारसी। तो राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है, राजभाषा क्या है हमारे देश की, हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया है संविधान में, बल्कि हिंदी को क्या दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें केवल बालक और शिक्षक का योगदान होता है, यह कथन है एडम्स रॉस का, जबकि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है यह कहना है जॉन ड्यूबी का। नाम अच्छे से याद रखिएगा आप, देखिए ये 2 सालों में पूछा गया क्वेश्चन है लगातार। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीखना या सिखाना, जो कि संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है, दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु हैं, शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है, जॉन ड्यूबी ने कहा है, अभी आपने देखा है। तो उन तीन बिंदुओं में कौन कौन है, ये है टीचर, ये है स्टूडेंट और यहाँ पर है सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, ये किसके किसके बीच की कड़ी है, टीचर के और स्टूडेंट के। टीचर क्या पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, और बच्चा क्या पढ़ता है, पाठ्यक्रम कोई पढ़ता है। तो इस तरीके से इसे कहा गया है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, इससे एक ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या फिर लेखन की कला। तो शिक्षण को रोचक कौन बनाता है, शिक्षण में प्रयुक्त की गई युक्तियां या शिक्षण की विधियां। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है जॉन ड्यूबी का, रूसो का, फ्रॉबेल का या फिर मॉन्टेसरी का। तो दोस्तों शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, फ्रॉबेल का, याद रखिएगा फ्रॉबेल का कथन है। फ्रॉबेल आपको पता है किंडरगार्टन विधि के जनक हैं,
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? 1909 में, 1919 में, 1929 में या फिर 1939 में? राइट आंसर है ऑप्शन द 1939 में। और इसी साल फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन विद्यालय अपना खोला था। कहाँ पर खोला था किंडरगार्टन विद्यालय? जर्मनी में खोला था, याद रखिएगा आप लोग। और मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली थी? मारिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली थी, जबकि फ्रॉवेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रॉवेल रहने वाले थे जर्मनी के, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का या फिर राष्ट्र का? इस क्वेश्चन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है। तो जहां पर शिक्षा की बात आएगी वहां पर सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व किसका रहेगा? आप सोचिए कि शिक्षा देने में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? एक शिक्षक का है। तो अगर जनसंख्या शिक्षा देनी है तो सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व किसका रहेगा? शिक्षक का ही तो रहेगा। तो ऑप्शन सात जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है? देखिए, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शासकीय उदासीनता है या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ये सभी शिक्षा के अधिकार में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु? जो लेसन प्लानिंग होती है इसका मतलब ही होता है कि हम पहले से प्री प्लानिंग बना करके जाएं ताकि शिक्षण को अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को एक एक चीज करवा पाए, चाहे वो प्रस्तावना कौशल हो, श्यामपट्ट कौशल हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन था जो है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है ये सभी शिक्षाएं, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या फिर व्यवहारवाद? आप सभी को अच्छे से पता है कि जो वैदिक काल की शिक्षा थी वो आदर्शवाद पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में? तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान है उद्देश्य में। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आदर्शवाद ने ही हमें ये बताया था कि जीवन में हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 में गठित की गई थी। तो ऑप्शन सात जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से? आपको पता है हमारा देश आजाद होने के बाद 1948 में जो आयोग बना था शिक्षा के लिए, वो बना था उच्च शिक्षा के लिए। तो इसका नाम था राधा कृष्णन आयोग और ये उच्च शिक्षा के लिए ही बनाया गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था 1835 में, और यहाँ पर 1935 दिया हुआ है, सही कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंबदा संस्कार, प्रवज्ञा संस्कार या फिर बिस्मिल्लाह संस्कार? तो वैदिक शिक्षा की बात करें तो गुरुकुल प्रणाली वाली जो शिक्षा थी उसमें उपनयन संस्कार होता था, जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जाते थे। और उपसंबदा संस्कार और ये जो प्रवज्ञ संस्कार है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर युवावस्था से? तो जो प्राथमिक शिक्षा होती है ये स्टार्ट होती है बाल्यावस्था से। ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 वर्ष की अवस्था होती है, तो 1 वर्ष से लेकर जो 5 वर्ष तक का बालक होता है वो शैशवावस्था में होता है, लेकिन 5 वर्ष से ऊपर का जो बालक होता है वो बाल्यावस्था में होता है।
तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, अरस्तु का, या फिर राजा राम मोहन राय का? तो राइट आंसर है ऑप्शन स, अरस्तु का। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है, ये अरस्तु का कथन है। और यहाँ पर शिक्षा ऐड हो गया है, तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, या फिर सांवेगिक विकास? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 39 है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, यह कथन किसका है? रूसो का, एडम्स का, नन का, या फिर अरस्तु का? इसका राइट आंसर मैंने आप लोगों को बताया है कि यह कथन है प्लेटो का, यानी कि यहाँ किसी कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, चारों के चारों गलत हैं। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है प्लेटो का, जबकि शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे है, यह कथन है रूसो का। लेकिन यहाँ पर जो बालक का मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, तो स्लेट यहाँ पर दोस्तों मैंने खुद याद रखा था, स्लेट और प्लेट इस तरीके से मैंने याद रखा था, तो स्लेट प्लेट, तो प्लेटो से कुछ मिलता जुलता प्लेट नाम था, तो मैंने इसको इस तरीके से याद रखा था कि अगर स्लेट आता है तो यहाँ पर प्लेटो होंगे, ठीक है, या स्लेट या प्लेट इस तरीके से। और एक कथन और है, बालक का मस्तिष्क कोरी कागज के समान होता है। दोस्तों बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, यह कहा है जॉन लॉक ने। तो याद रखिएगा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, यह कहा है प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, मदरसों की में शिक्षा का माध्यम था, मदरसों में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? अरबी में, उर्दू में, फारसी में, या संस्कृत में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, फारसी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, रामायण से, वेदों से, कुरान से, या बाइबल से? तो जो वैदिक काल की शिक्षा थी, इसका इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है, वैदिक यानी कि वेद से ही बना है वैदिक, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, आप लोगों को अच्छे से पता है कौन है, फ्रॉबेल। और पंचपदी प्रणाली के जनक हर्बर्ट हैं, याद रखिएगा, मॉन्टेसरी पद्धति की जनक मरिया मॉन्टेसरी हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने, या फिर श्री अरविंद घोष ने? राइट आंसर है ऑप्शन द, श्री अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा, इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को किसने किसने विभाजित किया है? मॉन्टेसरी ने, फ्रॉवेल ने, डॉल्टन ने, या रूसो ने? यानी कि कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने और गणित की शिक्षा, इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को किसने बांटा है? आप लोगों को अच्छे से पता है इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आ, मारिया मॉन्टेसरी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2007 में, 2008 में, 2009 में, या 2010 में? आपको अच्छे से पता है इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन स, 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य, अभी आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 47 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में, 1982 में, 1986 में, 1988 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, फिर देखिए वही क्वेश्चन, मैंने कहा था आप लोगों को कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, और इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कितने क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कहा है जॉन ड्यूबी ने। और शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ये एडम्स रॉस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति कौन सी है? आपको पता है फ्रॉवेल ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, किंडरगार्टन। ये क्वेश्चन भी आप देखिए पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है, जनसंचार का यांत्रिक साधन क्या है? टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है किसकी?
प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की रूढ़िवादिता और निरक्षरता, ये सबसे बड़ी समस्या है लड़कियों की यानी कि बालिकाओं की। क्वेश्चन नंबर 52 है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता, दया भावना, सहयोग की भावना, ये सब किसके उदाहरण है? सामाजिक मूल्य के, व्यक्तिक मूल्य के, मानव मूल्य के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये सब मानव मूल्य हैं। ऑप्शन सात जो है ये बिल्कुल सही, जिसे हम नैतिक मूल्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, वैदिक साहित्य में उपयुक्त शिक्षा का, शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है? विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, या फिर उपयुक्त सभी? तो शिक्षा जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी उसका अर्थ विद्या भी होता था, ज्ञान भी होता था, बोध तथा विनय भी होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति, या फिर बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, और यही उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा का भी था, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, गिजू भाई बदेका का, या फिर जवाहरलाल नेहरू का? राइट आंसर है ऑप्शन बार, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे फिर यही सेम क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 57 है, गिजू भाई बदेका ने बालकों को किसकी संज्ञा दी है? तो गिजू भाई बदेका ने बालकों को किसकी संज्ञा दी है आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने बार बार पढ़ाया है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आ, बाल देवो भव, यानी कि बालकों की तुलना देवताओं से की गई है। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंबदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? 27 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, या फिर 25 वर्ष में? दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में एक संस्कार होता था प्रवज्ज संस्कार, और दूसरा होता था उपसंबदा संस्कार। तो जो उपसंबदा संस्कार होता था ये उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए होता था, ये 20 वर्ष की अवस्था में होता था, यानी कि ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति देती है, यह विचार किसका है? एडिसन का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, स्वामी विवेकानंद का, या फिर महात्मा गांधी का? दोस्तों यह कथन कई बार पूछा गया, अभी आपने देखा भी है कि अभी पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा है कि पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन आ है, इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, या इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। तो ऑप्शन द जो है ये दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें समय व स्थान का कोई महत्व नहीं होता है, आप जहां चाहें जब चाहें पढ़ाई कर सकते हैं दूरस्थ शिक्षा में, जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, मुक्त अधिगम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया था? 3, 5, 4, या फिर 2? दोस्तों गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया था, तो आप याद रखिएगा, पहला है बालकों को लिखने से पहले पढ़ना सिखाया जाए, दूसरा है वर्णमाला के अक्षर लिखने से पहले बालक को चित्रकला सिखाई जाए, इसके अलावा तीसरा है बालक स्वयं करके सीखे, चौथा है बालक को अपने अनुभव से सिखाया जाए या बालक अपने अनुभव से खुद सीखे, और पांचवा है सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये 5 पद्धतियां इन्होंने बताई थी शिक्षण की, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा ये पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, गिजू भाई बदेका ने, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर महात्मा गांधी ने? दोस्तों ये पुस्तक लिखी है गिजू भाई बदेका ने, और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है दिवा स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, फ्रॉबेल ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, या फिर गिजू भाई बदेका ने?
राइट आंसर है ऑप्शन सा, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा तथा शिक्षक को माली किसने कहा है? रूसो, ड्यूबी, मारिया मांटेसरी या फिर फ्रॉबेल? राइट आंसर है ऑप्शन द फ्रॉबेल। आपको पता है फ्रॉबेल ही क्या है, किंडरगार्टन के जनक है, और इन्होंने ही पाठशाला को क्या कहा, एक बाग कहा है, बच्चों को क्या कहा, पौधा कहा, और शिक्षक को माली कहा है। तो ये देखिए 2015 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, मॉन्टेसरी के शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? मैंने बार बार आप लोगों को बताया है ये बात कि मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षण पद्धति को तीन भागों में डिवाइड किया था। उन्होंने जो उनका जो पाठ्यक्रम था उसको तीन भागों में विभक्त किया था। पहला ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा, दूसरा कर्मेंद्रियों की शिक्षा और तीसरा भाषा एवं गणित की शिक्षा। तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा और भाषा एवं गणित की शिक्षा, इसको आप याद रखिएगा, अतिलघुत्री में भी पूछेगा तो आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? राइट आंसर है ऑप्शन सा, महाराष्ट्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 49, 45, 26 या फिर 50? आपको अच्छे से पता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था संविधान की धारा 45 में किया गया, क्योंकि मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ धारा 45 और अनुच्छेद 21 का या 21A। क्वेश्चन नंबर 68 है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है या शक्ति होती है, यह विचार किसका है? यह विचार रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। अभी इसी वीडियो में ये तीन बार पूछा जा चुका है, तीन बार। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया है, इसलिए आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, गिजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है दास कैपिटल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ या फिर प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा? आपको अच्छे से पता है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन द प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, क्योंकि अभी आपने देखा है इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर सामाजिक विकास? राइट आंसर है ऑप्शन स, सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इस पर अमल करके या फिर समझा करके? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। क्वेश्चन नंबर 72 है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय या फिर विज्ञान विषय? राइट आंसर है ऑप्शन ब, हस्तकला विषय। क्वेश्चन नंबर 73 है, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फिर फ्रांसिस ने? आपको अच्छे से पता है कि निस्यंदन सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत या छन्नीकड़ का सिद्धांत किसने दिया है? लॉर्ड मैकाले ने, 2017-2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती, उस शिक्षा को क्या कहते हैं? पहली बात तो जिस शिक्षा में समय की पाबंदी होती है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, विद्यालय की आवश्यकता होती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो जिनमें इनकी आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यानी कि अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हो तो आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा और कंटिन्यू उस काम को करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। तो यह विचार किसका है, फ्रॉबेल का, हल का, डाल्टन का या सिंपसन का? राइट आंसर है ऑप्शन अ, फ्रॉवेल का। क्वेश्चन नंबर 76 है, जॉन ड्यूबी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सीमार्क या फिर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन? राइट आंसर है ऑप्शन द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए मत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पहले से ही आ रहे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोज हमारी आती है उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए। और इन सभी वीडियोज का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं,
फ्री पीडीएफ आपको सभी सभी वीडियोस की मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर की, हर एक वीडियो की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कॉपी बहुत अच्छे से आप लोगों को लिखनी है ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। आपको सभी विषयों के लिंक दोस्तों मैंने भी आपको बता भी दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। और हर एक विषय का हमने मास्टर वीडियो बनाया है। हर एक विषय का आपको, आप देखो कि फर्स्ट पेपर हमने पूरा एक ही वीडियो में खत्म किया, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर, सिक्स पेपर, सेवन पेपर, आपको सारे के सारे पेपर एक ही वीडियो में इस तरीके से हमने बनाया कि आप सभी विषयों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और हर एक विषय को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज देखिए, आपको बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं को समझ में आ रहा है और वीडियोज को देख भी रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए और एग्जाम के लिए कोई भी कसर मत छोड़िए, क्योंकि हम लोग आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप लोग भी इतना तैयार हो जाइए कि आप लोग एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करके आइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और लगातार ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय।